हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में हम हमने आपको लास्ट क्लास में कराया था रूल्स जो बताए गए थे कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं, ठीक है। आज कंटिन्यू होने को इंग्लिश ग्रामर में हिंदी इंग्लिश ग्रामर बनाने के नियम, इनको आज देखेंगे हम। तीसरा चिन्ह आता है पूर्ण विराम चिन्ह, इसका मतलब होता है फुल स्टॉप, ठीक। फुल स्टॉप जो है डॉट होता है, जब हम कोई वाक्य को पूरा खत्म करते हैं तब वहां हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह नकारात्मक वाक्य हो या प्रश्नात्मक वाक्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण विराम का प्रयोग एक वाक्य के खत्म होने के तुरंत बाद करते हैं तो दूसरे वाक्य के शुरू होने से पहले करते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा समझ, मैं घर जा रहा हूं तो उसको कैसे लिखेंगे, आई एम गोइंग टू होम। टू होम, अब फुल स्टॉप आपको होम के बाद, तो जैसे ही अपना वाक्य एंड होता है उसके बाद आप उसको डॉट लगाएंगे, दैट इज ए फुल स्टॉप, ओके। वह अभी स्कूल गया था, ठीक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। हमें तो सेंटेंस देखना है, ठीक। ही हैड गोन टू, हैड गोन टू पास्ट में स्कूल जस्ट, जस्ट मतलब अभी, तो जस्ट के बाद फुल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट, मैं सेव खाता हूं, आई ईट एप्पल, है ना, सिंपल, ईट एप्पल, ओके, फुल स्टॉप, यू नो दैट। नेक्स्ट आता है उद्धरण चिन्ह या क्वेश्चन मार्क, क्वोटेशन मार्क, सॉरी। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम सामान्यतः जब कोई बात में कुछ खास बात को व्यक्त करना चाहते हैं तो हम इस चिन्ह को लगाते हैं। यह खास बात के शुरू होने से पहले और खास बात खत्म होने के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट, पिताजी ने कहा तुम बाजार बजाना पड़ेगा, ओके। डैड सेड यू हैव टू गो टू मार्केट, ओके। डैड सेड, एस ए आई डी, ये चिन्ह इस प्रकार लगेगा, यू हैव, इसको कहते हैं कोटेशन, यू हैव टू गो टू मार्केट, ओके। ये चिन्ह को कहते हैं कोटेशन मार्क। नेक्स्ट आता है अक्षर लोप, एपोस्ट्रोफ मार्क। अक्षर लोप का अर्थ होता है कि इस चिन्ह का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। पहला, जब हमें बताना हो या वस्तु है या कोई भी चीज है अर्थात का के अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डजंट, डोंट, हैव, उदाहरण के अच्छे से समझो, यह सुहाना का पेन है, तो इट इज सुहाना पेन, इट इज सुहाना, सुहाना सर। तो ये एक चिन्ह लगाया हमने एस, ठीक है, ये मार्क किया, और पेन, पेन के बाद डॉट एंड दिस मार्क। टीना का भाई मेरा दोस्त, तो टीनास का भी क्या होता है, एस लगता है, ये तो आपको पता ही होगा, टीनास, टी आई एन ए, फिर ये आपको मार्क किया एस, टीनास ब्रदर इज माय, इज माय फ्रेंड, एफ आर आई ई एन ई, ओके। स्टूडेंट्स, शुभम का दोस्त अच्छा नहीं, तो आपको फिर से रिवाइज कराया, तो आपके स्थान पे क्या होगा, तो शुभम
फ्रेंड इज इट गुड। ठीक है, तो आपको जो आज हमने मार्किंग करने का जो बताया, चिन्हों के बारे में अध्ययन कराया, आपको उसको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको उसके पांच पांच सेंटेंस जो है वो लिखने हैं। जैसे क्वोटेशन मार्क्स का चिन्ह लिखना है और अपोस्ट्रोफ मार्क का, इनके फाइव फाइव सेंटेंस बनाने। थैंक यू सो मच।